अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज हम मलफंक्शंस ऑफ किडनीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनीज को। इसके बारे में एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी में, ठीक, तो देखते हैं कि किडनी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो ब्लड है वो सबसे पहले किडनी में एंटर होता है थ्रू रीनल आर्टरी। उसके बाद ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है और बहुत छोटी छोटा आर्टीरियोज बनाती है और फिर एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनाती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, जो ब्लड ग्लोमेरुलस पे पहुंचता है तो यहां जाके उसमें से तमाम चीजें, नियरली तमाम चीजें सिवाय ब्लड सेल्स के या कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स के, सब कुछ जो है वो ग्लोमेरुलस से निकल के बाउमन कैप्सूल में आ जाता है। तो बाउमन कैप्सूल में पहुंच जाएगा ये सब कुछ। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल जो बाउमन कैप्सूल के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये सारा फिल्ट्रेट इसमें से मूव करता करता जो है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मूव करेगा। याद रखिएगा कि फिल्ट्रेट किसे कहते हैं, हर वो चीज जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल आई है वो फिल्ट्रेट कहलाएगी। तो जब ये फिल्ट्रेट उसमें से मूव करेगा और कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाएगा तो इसमें से 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है, जिसमें कि ज्यादातर काम की चीजें होती हैं, वो ब्लड में वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक, और जो बाकी 1% बच जाएगा वो मूव करता हुआ थ्रू पेल्विस किडनी से बाहर निकल जाएगा और उसको हम यूरिन कहते हैं। The filtrate left behind in the renal tubule is urine, which moves into the collecting duct and then into the renal pelvis. और pelvis से ये ureter से बाहर urinary bladder में जाएगा और urinary bladder से फिर ये body से